रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, है ना? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग गया, है ना? ये कैसे होता है बच्चों? जब लोहा को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, खुली हवा में छोड़ देते हैं, उस पर बहुत सारा चीज जो है, जैसे वर्षा का पानी हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, सभी जो है प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे मान लिया ये जो है आयरन का टुकड़ा है, Fe है ना? अब आयरन को छोड़ दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि वर्षा के पानी नीचे गिरेगा, कुछ बूंदे जो है आयरन पर भी आएगा। चलिए, आयरन पर भी आए वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना? बहुत सारा गैस वायुमंडल में है ना? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप छोड़ते हैं, ऑक्सीजन जिसका श्वसन की क्रिया में आप लेते हैं, ये जो है वाटर में डिजोल्व करेगा, है ना? वाटर में डिजोल्व होगा। अब कहता है इससे प्रभावित होकर के आयरन का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, यानी Fe जो होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना शुरू कर देता है। Fe दो एटम को ले लीजिए ताकि बैलेंस करने में आसान हो, यहाँ जो है चार इलेक्ट्रॉन। और जब आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है स्वाभाविक है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन कब कहाँ होगा? एनोड पर, एट एनोड, है ना? चलिए, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे एट कैथोड, कैथोड है ना? कैथोड में ऑक्सीजन आ जाता है और हाइड्रोजन आयन, चार एटम हाइड्रोजन आयन मिल करके क्या बनाता है? वाटर का फॉर्मेशन करता है, 2H2O, क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम है। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम लोग चार इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, है ना? और कंप्लीट रिएक्शन बनाने के लिए दोनों हाफ रिएक्शन को कंबाइंड करेंगे, और जब कंबाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन दोनों का कैंसिल होगा, बाकी लिख दीजिए 2Fe+O2+4H आया, इधर हो जाएगा 2Fe++2H2। अब यहाँ जो है आयरन आयन हो गया, है ना? कैटायन। अब इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा, है ना? फिर से ऑक्सीडेशन होगा, यानी Fe पर दो पर से ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के संयोग को ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स भी रहेगा, क्या रहेगा? चार वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा, और ये बना देगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, आठ हाइड्रोजन आयन बनाएगा, है ना? ये फेरिक ऑक्साइड, चलिए आधा काम तो हो गया। अब यही फेरिक ऑक्साइड जो है रस्टिंग का काम करेगा, ये जो है वाटर से कंटेक्ट करेगा, और वाटर एक मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा, यानी Fe2O3। अब यहाँ एक्स कर दीजिए, है ना? और ये जो हो जाएगा Fe2O3XH2, यही जो है बच्चों बेकार युक्त मटेरियल बन जाएगा, और ये छीन हो जाएगा, यानी रस्टिंग, जंग लगना, यही जंग होगा, है ना? अब बच्चों इसको बचाने के लिए, यानी आयरन का रस्टिंग जो हो रहा है, जंग जो लग रहा है, उसको बचाने के लिए हम लोग को क्या उपाय करना होगा? ध्यान दीजिएगा, प्रिवेंशन। ऑफ आयरन पहला तो है सरफेस पेंटिंग, है ना? लकड़ी से बहुत सारा चीज बनाते हैं, टेबल कुर्सी बेंच डेस्क बनाते हैं, उसको पेंट करते हैं बचाने के लिए, अधिक दिन चलाने के लिए। उसी प्रकार से
आयरन को भी पेंट कर दीजिए, है ना। दूसरा है सेल्फ प्रोटेक्शन, है ना, सेल्फ प्रोटेक्शन। कोई जरूरी नहीं है आयरन भी हो, और बहुत सारा मेटल जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को खुली हवा में छोड़ दीजिएगा तो क्या करेगा, एल्युमिनियम जो है वो एयर से कंटेक्ट करके Al2O3 बना लेगा, है ना। इसका एक लेयर एल्युमिनियम पर चढ़ जाएगा जो कि इसको एल्युमिनियम को सुरक्षित रखेगा, इसमें कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तीसरा गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, ये क्या है बच्चों, जस्तीकरण ऑफ आयरन। जैसे आयरन है, आयरन पर जो है आयरन से अधिक रिएक्टिव मेटल को, मेटल का लेप लगा दीजिए। जैसे जिंक है, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव किससे, देन आयरन, है ना। तो कहता है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और Zn+2 बनाएगा, है ना। यानी छह जो भी होगा जिंक का होगा ये सुरक्षित आपका, इसलिए इसको कहेंगे गैल्वेनाइजेशन आयरन, या गैल्वेनाइजिंग आयरन भी कह सकते हैं, है ना। अब कहता है चौथा, यही बच्चों लिख देते हैं फोर, है ना, कैथोडिक, कैथोडिक प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। अब एक क्या चीज है कैथोडिक प्रोटेक्शन, जस्ट लाइक यही है, है ना। इसमें क्या करेंगे, जैसे आयरन का ट्यूब है, धरती के नीचे आयरन का इस्तेमाल होता है, उसमें तो बहुत सारा जंग लगने की जरूरत पर जंग लगता है, तो उसमें क्या करते हैं कि आयरन, आयरन नहीं, मैग्नीशियम का Mg का तार सेट कर देते हैं, जो कि एनोड का काम करेगा, एनोड का काम करेगा, और आयरन जो है आपका कैथोड का काम करेगा, है ना। यानी मैग्नीशियम जो है आसानी से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन कर रहे करेगा, मैग्नीशियम, जिससे आपका आयरन क्या है सुरक्षित रहेगा। यही तो है बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, और रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल ऑफ कोरोशन है।